खबर विदिशा मध्य प्रदेश से है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मनशापुर हनुमान मंदिर के पास स्थित सेवा केंद्र द्वारा शिव जयंती महाउत्सव के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रह्म कुमारी रुकमणी दीदी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि नव सर्जन का कार्य एक प्रक्रिया के तहत ईश्वरीय संविधान के अनुसार होता है। जैसे एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन की शुरुआत पहली कक्षा से करता है, वह फिर साल दर साल आगे बढ़ते हुए एक दिन विशेष योग्यता प्राप्त कर इसी के तहत ही निराकार परमात्मा ईश्वरीय संविधान के तहत शिक्षा देकर नवयुग की स्थापना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश विनोद कुमार ने कहा कि आध्यात्मिकता स्वयं की रुचि लगन से संभव है। आत्मा में सत्य की शक्ति आती है। इसी विद्यालय में आत्मा को सुंदर पवित्र मानने की शिक्षा दी जाती है। न्यूज के लिए धर्मेंद्र गुप्ता, विदिशा, मध्य प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का आज बागपत का दौरा था, जिसमें हमने जिला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एसपी, डीएमडब्ल्यू और एलडीएम के साथ साथ पूरे अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। खासकर हमने 15-point प्रोग्राम के बारे में जो रिव्यू किया है, जो हमारे वजीर आजम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एक जो स्कीम है वो 15-point प्रोग्राम है, जो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ में हमने बाकी के जो भी हमारे स्टेट के द्वारा स्कीम याद चल रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में रिव्यू किया है। टोटल 16 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत हमारे बागपत डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर एक दूसरी बात आई है कि वक्फ इंस्पेक्टर नहीं है, तो उसके लिए हम चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे ताकि जो भी 717 कुछ वक्फ प्रॉपर्टी है हमारे बागपत में, जहाँ पर 716 सुन्नी जमात की है और एक है शिया जमात की एक है, तो वो कुछ जगह पर इंक्रोचमेंट हुआ है, जिनको लेकर हमने आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी आदेश दिया है कि वो जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसको हटाए और हमारे डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड का जगह का फर्स्ट सर्वे हो। और इस सब के लिए हमारे पास एक वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर की जरूरत है, जो हमने सरकार को लिखेंगे हमारी ओर से, और हमने कलेक्टर को भी आदेश दिया है कि इस पर लिखें। अल्पसंख्यकों को शिक्षित करने के लिए आपकी तरफ से आप क्या देना चाहते हैं निर्देशित? नहीं, देखिए हमारे कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद दूसरा कोई लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो इल्म है। तो एजुकेशन को हमको, हमारे काम को अपने आप आगे बढ़ना है, क्योंकि हर लड़की हर लड़के को पढ़ाना है घर में, तो आगे चल के हमारे कौम की तरक्की होंगे। और जो भी स्कीम्स है जो चल रहे हैं, उस पर भी हमने रिव्यू किया है कि एजुकेशन के कितने लोन्स दिए, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना लोन्स दिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कितना लोन्स दिए और वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें माइनॉरिटी का परसेंटेज कितना है, इस सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई। उस मीटिंग में मैडम आपने जो है छात्रवृत्ति को लेकर जो है सवाल पूछे, उसमें जो है एक भी छात्र को जो है यहाँ जो है कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। हाँ नहीं, हजरत महल स्कॉलरशिप जो है उसके बेनिफिशियरीज यहाँ पर नहीं है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर ने बताया था। और इससे पहले और ये ईयर भी, और मौलाना आजाद फेलोशिप जो है अभी लास्ट ईयर तक का कोई बेनिफिट नहीं, बेनिफिट